मुंबई में कंगना रनौत के सपने को बीएमसी ने ध्वस्त किया तो अदाकारा का दर्द और गुस्सा कुछ ऐसे ही अंदाज में सामने आया। सीधी चुनौती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस ऐलान के साथ कि ना हिम्मत टूटी है ना हौसला हिला है। कंगना इस वक्त मनाली में है और मुंबई से रुखसती के बाद कंगना का रण और भीषण हो चला है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलावर ट्वीट जिसमें बिना नाम लिए महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दिन का पहला ट्वीट देखिए। मैं एक शत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांतों के साथ न मैंने कभी समझौता किया है न कभी करूंगी। कंगना का नॉन स्टॉप निशाना जारी रहा। अपने दफ्तर के पहले की और विध्वंस के बाद के मंजर की तस्वीर दोनों को अपने ट्वीट के साथ पेश किया। क्या लिखा ये सुनना बेहद जरूरी है। एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं करते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर का। क्या ये बलात्कार नहीं? ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्म सम्मान का और मेरे भविष्य का। कंगना की लेखनी में नाम बेशक किसी का नहीं था लेकिन समझना बड़ा आसान था कि तीर किसके सीने को छलनी कर गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या बयान दिया, गौर से सुनिए। मैं ऐसी खबरें नहीं पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ। मैं तो हमेशा गांधी जी का जो विचार है, न बुरा देखना है न बुरा सुनना है न बुरा बोलना है। अगर कोई इस बारे में बोलता होगा तो ये उनका संस्कार हो सकता है। अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद कंगना ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 करोड़ हर्जाने की याचिका दाखिल की है। मतलब मामला जुबानी जंग के बाद अब कानूनी भी हो चला है जो अभी लंबी चलने वाली है। लेकिन तब तक कंगना के ट्वीट वाले हमले उद्धव और शिवसेना के खिलाफ बदस्तूर जारी रहने वाले हैं। दिल्ली से पॉल मिसाहा और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।